हम लोग के साथ हो चुका है लोचा। तो हम निकल चुके हैं सरयू नदी में नहाने। ये देखिए राम भक्त हनुमान। हम लोग जस्ट स्टेशन के पास है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दोनों जन सरयू नदी में स्नान करने। और शाम का टाइम है, अप्रॉक्स 5:30 बज रही है। अभी भी हर जगह भीड़ ही भीड़ दिख रही है एंड साइड में बहुत सारी दुकानें भी है, हर जगह यूपी पुलिस भी है, उस साइड में लाइन भी लगी है। तो आगे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। और काफ़ी भीड़ भी है और हमें दिख गया राम जन्मभूमि पथ जहाँ से राम जी के दर्शन होंगे। और स्तंभ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं सामने से और भीड़ तो देख ही सकते हो, खतरनाक वाला भीड़ है। इतना आवाज़ के कारण हमको साउंड अलग से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। भीड़ तो थोड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इधर से लोग जा रहे हैं और उधर से लोग आ रहे हैं। दुकान सब भी काफी अच्छे लग रहे हैं। हम लोग के साथ हो चुका है लोचा। हम लोग अपना कपड़ा वाला बैग ही छोड़ दिए हैं। निकलने टाइम हमको याद ही नहीं रहा कि हम लोग को बैग भी लेना है। फिर से वापस जा रहे हैं होटल क्योंकि हम लोग अपना कपड़ा वाला बैग छोड़ दिए हैं। अब इन कपड़ा का जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग नहा भी नहीं पाएंगे, शाम भी हो गया है, ठंड लग रही है। फिर भी आज ही हम लोग सोचे हैं कि नहा लेंगे क्योंकि हम लोग को कल निकलना भी है अयोध्या से। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस, अब फिर से निकलेंगे हम लोग। हम देख रहे हैं बोट का नेक पिन जो कि सिर्फ 150 में दे रहे हैं। मैं हाथ वायर ऐसा लग तो नहीं रहा है बोट का है, बट हम लोग फिर भी ट्राई करने का सोच रहे हैं। ट्रायल हो चुका है फेल। नकली प्रोडक्ट निकला, मेरे कान में ही नहीं घुसा। हम लोग जस्ट होटल के पास ही है, थोड़ा सा दूरी पे है महाराज जी को देख के। ओह ये देखिए सामने कितना सुंदर लग रहा है प्लस लाइटिंग। हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपना झोला लेके। अब अंधेरा भी हो रहा है, 6:00 हो चुका है। फिर से हम लोग को उतना दूर चलना पड़ेगा। ये देखिए उस टाइम लाइट ही चला था, अब लाइट जल गया है, काफी सुंदर लग रहा है। काफी भीड़ है, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। फ्लैश जला के वीडियो बनाना पड़ रहा है गाइस, अंधेरा हो गया है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कितना दूर जाना है। ऐसे गूगल पे दिखा रहा है 2 किलोमीटर है सरयू नदी, सरयू घाट जहाँ हम लोग इतना रात में नहाएंगे। बस तबीयत ना खराब हो हम लोग का। ये रहा तुलसी उद्यान, थोड़ा सा अंदर जाके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे योगी जी मोदी जी, यहाँ पे शायद प्रोग्राम हो रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए प्रोग्राम हो रहा है। जा रहे हम लोग आगे, बहुत रात हो गया है। यहाँ पे गीता फ्री में मिल रहा है, आप ले सकते हैं अगर आइएगा तो। काफी भीड़ है और बहुत ठंड भी है। अभी हम लोग जहाँ गए थे वो था तुलसी उद्यान, काफी भीड़ भाड़ है। हम लोग बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं पता कि सरयू घाट कहाँ है। इतना सुंदर लग रहा है, सारा दुकान लेवल से बना हुआ है। चलते चलते हमें दिखा ये जो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। और यहाँ बच्चा को देखो जो सिर्फ एक रस्सी पे है, तो इसको भी सपोर्ट करो यार। लता मंगेशकर चौक आगे है और इस साइड में है सूर्य स्तंभ जो काफी खूबसूरत लग रहा है। ये रहा बीना एंड ये रहा जहाँ से हम आए। और बच्चा को देखिए प्लस पेड़, सामने से बीना बहुत ही सुंदर लग रहा है। चल चल के हालत खराब हो गया है। यहाँ पे हर जगह आपको झंडा प्लस कुर्ता वगैरह मिल रहा है। ये देखिए आगे काफी भीड़ दिख रहा है, सामने ज्यादा ही भीड़ है, तो देखते हैं क्या हो रहा है।
तो यहाँ हो रही है आरती जो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी भीड़ भी है एंड लोगों को देख रहे हो, सारे चाह रहे हैं कि कैमरे में कैद कर ले इस क्षण को। हम लोग आ गए सरयू घाट, सब अभी नहा ही रहे, जा रहे हम लोग भी नहाने, जा रहे नहाने। काफ़ी ठंडा लग रहा है, एकदम हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, और हम कब कब आ रहे हैं। नहा लिए हम लोग, अब जा रहे हम लोग होटल की ओर, एकदम ठंडा, हम तो बाल पे से भी नहीं नहाए। अब घूमते घूमते सेम रूट से हम लोग जाएंगे होटल, अब मिलते हैं कल सुबह। हम लोग निकल गए हैं एंड लाइटिंग देखिए कितना सुंदर है, और झांकी